अल्मोड़ा शहर समेत आसपास के क्षेत्रों में पेयजल की किल्लत को लेकर गुस्साए लोगों ने जोरदार प्रदर्शन कर जल संस्थान के अधिशासी अभियंता का घेराव किया और चेतावनी दी कि अगर जल्द ही पेयजल आपूर्ति सुचारू नहीं की गई तो वो उग्र आंदोलन करने को बाध्य हो जाएंगे। स्थानीय लोगों ने जल संस्थान के ऑफिस पहुंचकर अधिशासी अभियंता के एस खाती का घेराव किया। इस दौरान अधिशासी अभियंता ऑफिस में मौजूद नहीं मिले। गुस्साए लोगों ने जमकर नारेबाजी करते हुए कार्यालय के बाहर ही धरना प्रदर्शन किया। साथ ही इस दौरान उन्होंने कहा कि जब से जल संस्थान के नए अधिशासी अभियंता यहां पर आए हैं उनके आने के बाद से ही पानी की अनियमित आपूर्ति और घरों में गंदा पानी आ रहा है जिससे आम जनता परेशान है। उन्होंने बताया कि अब हद तो ये हो गई है कि 3 दिनों से शहर की कई जगहों पर पानी तक नहीं आया है। लोग इस बरसात के मौसम में पानी के लिए तरस रहे हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही शहर समेत आसपास की पेयजल व्यवस्था सुचारू नहीं होती है तो उग्र आंदोलन के साथ ही अधिशासी अभियंता को पकड़कर पूरे शहर में घुमाया जाएगा। समाचार पत्रों के माध्यम से सूचित कर दिया गया था कि हम लोगों का कार्यक्रम है, उसके बावजूद भी वो यहाँ पर अपनी सीट को छोड़ करके चले गए हैं। ये बहुत ही दुख की बात है और ये लोग अल्मोड़ा में पानी की सुचारू व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे लोगों को सीट को छोड़ देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए, वरना हम सब कांग्रेस जन उग्र आंदोलन करेंगे और तालाबंदी सरकार के यहाँ के अधिशासी अभियंता को बाजार में घुमाने का काम करेंगे। वो पानी जो दे रहे हैं मठबेला पानी दे रहे हैं, हम उनका कड़ी निंदा करते हैं, उनका विरोध करते हैं और वो पानी की व्यवस्था सुचारू करें, यहाँ की जनता को पानी दें। होता तो अगला आंदोलन हमारा उग्र होगा और हम हो सकता है अधिशासी अभियंता को पूरे अल्मोड़ा में काली पोत कर घुमाएं। संवाद 365 के लिए अल्मोड़ा से अमित उप्रेती की रिपोर्ट।